हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं D2H की ने लॉन्च किया है वॉइस अनेबल मैजिक स्टिक। तो आज हम इसकी प्राइस और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि क्या है मार्केट में, कैसे सर्वाइव कर पाएगा। साथ में ये भी जानेंगे कि मार्केट में इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, DTH ऑपरेटर D2H ने मार्केट में D2H मैजिक वॉइस अनेबल स्टिक को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसका प्राइस 1200 रुपए रखा हुआ है। इस डिवाइस को लॉन्च करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि DTH ऑपरेटर्स अब और बुलंदियों पे जाने वाली है। ये काफी कुछ DTH मैजिक स्टिक जैसा ही है जो कि एलेक्सा सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक इसमें आपको वॉचो, सिल्विन, G5, हंगामा प्ले, कई प्रीलोडेड OTT एप्लीकेशंस मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला डिस स्मार्ट किट के साथ होने वाला है जो कि एलेक्सा के साथ आता है। आपको बता दूं कि स्टिक के लॉन्चिंग इवेंट पर कंपनी ने बताया है कि इसमें आने वाले दिनों में नए OTT एप्लीकेशंस को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले इसमें ALT बालाजी एप्लीकेशंस को जोड़ा जाएगा। हालांकि Amazon प्राइम और Netflix को लेकर कंपनी ने अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। बता दें कि इस स्टिक में आपको वॉइस अनेबल फीचर्स के साथ वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट भी मिलेगा। ये डिवाइस D2H V7000 HDRF सेटअप बॉक्स के साथ भी काम करेगा। तो दोस्तों, फीचर्स के मामले में तो अभी थोड़े कम है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में इसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को जोड़ा जाएगा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मार्केट में D2H का वॉइस अनेबल मैजिक स्टिक कितना सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों, आपका जैसे इसके बारे में राय क्या है एक बार मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।